कल मोदी जी आने वाले हैं, देश के पीएम आने वाले हैं, क्या आपको क्या लग रहा है, कितना फ़ायदा आप मान के चल रहे हैं पीएम मोदी की रैली से? जहाँ जहाँ राहुल गांधी जाएंगे, राहुल बाबा भंटाधार होंगे। तो आप मन से ये कह रहे थे कि जो आपके प्रतिद्वंदी हैं, चाहे शारदा राठौर हैं या पराग शर्मा हैं, कि दोनों को विदा कर देना चाहिए, कि इतनी मजबूत जीत मान के चल रहे हैं, कितनी वोटों से जीत? जीत हार तो बल्लड़ के लोग बताएंगे, अगर मुझे पता होती जीत रहे हैं तो फिर मैं वोट क्यों मांगता? चुनाव के समय निकलते हैं, फोटो कराते हैं, फिर बनात के देते हैं, फिर टिकट मांगते हैं। बीजेपी के प्रत्याशी बल्लभगढ़ से तीसरी बार चुनावी मैदान में हैं। सर, देख रहे हैं लगातार आपकी कई जनसभाओं को हमने कवर किया है, काफ़ी तादाद में भीड़ जुट रही है, क्या कह रही है ये? बल्लड़ के लोगों का देश के प्रति, आम व्यक्ति के प्रति जो रुझान है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक जनसैलाब है मेरे सारे फीदाद में। और मैं कहता हूँ बल्लड़ में जिस तरह के कार्यक्रम हैं, बल्लड़ के लोगों ने 2014 में भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करा, 19 में जिताने का काम करा, और 2023 में जो बड़ी जीत हुई लोकसभा में बल्लड़ के लोगों के कारण हुई। और बल्लड़ के लोगों में जो उल्लास है, जन सैलाब है, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रति है। जो प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी रहे, अब नायब सैनी जी के नेतृत्व में एक OBC परिवार का बेटा इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बना है, उन पर भरोसा और विश्वास है कि हमारा जो काम है इनमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होगा, और मुख्यमंत्री भरोसा विश्वास करते हैं। अभी हमने सुना कि आप लोगों को आमंत्रित भी कर रहे थे, कल मोदी जी आने वाले हैं, देश के पीएम आने वाले हैं, क्या आपको क्या लग रहा है, कितना फ़ायदा आप मान के चल रहे हैं पीएम मोदी की रैली से? हम फायदा नुकसान नहीं, देश के प्रधानमंत्री हैं, 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री इस बाबा फरीद के पारसर की भूमि पर आ रहे हैं। हम उनका स्वागत ज़ोरदार से करेंगे, धमाके के साथ करेंगे, कि उनका आना हमारे लिए बड़ी क्या। और मैं कहता हूँ ऐसा जनसैलाब होगा कि जो दक्षिण हरियाणा का असली जनसैलाब आपको कल गदपुरी मिलेगा। लोगों में उल्लास है, और लोगों में के लोग हमारे यहाँ तो नज़दीक है, मात्र 7 किलोमीटर है, और लोगों की हालत है कि लोग पैदल ही पहुँच जाएंगे, लोग गाड़ी से जाएंगे, पर्सन जाएंगे, और इतना बड़ा जनसैलाब होगा कल देखने के लिए आप सबको मिलेगा। राहुल गांधी ने नारायणगढ़ से आज विजय संकल्प यात्रा शुरू की है। उनका कहना ये है कि कांग्रेस को लेकर लहर है लोगों में, कांग्रेस के प्रति लोगों में रुझान है, इस बार कांग्रेस की सरकार। जहाँ जहाँ राहुल गांधी जाएंगे, राहुल बाबा भंटाधार होगा, और राहुल गांधी जी का कोई पसंद नहीं करता, देश के प्रति सोचनी है, आम व्यक्ति के, गरीब के, मजदूर के, कर्मचारी के प्रति सोचे, देश की संस्कृति नहीं जाते, ऋषि मुनियों की ये धरती है, इस संस्कार को नहीं जाते, आम व्यक्ति जानते हैं कि इनमें अभी इतना ज्ञान नहीं, और ना इनको जानकारी हरियाणा की पृष्ठभूमि पर। एक और बात, आप मन से ये कह रहे थे कि जो आपके प्रतिद्वंदी हैं, चाहे शारदा राठौर हैं या पराग शर्मा हैं, कि दोनों को विदा कर देना चाहिए। हाँ, विदाई होगी, गाजे बाजे के साथ होगी। बेटियों का अपने घर ठीक रहती हैं, बेटी भाई के घर रहना ठीक नहीं रहती है, बेटी तो अपने घर रहना ठीक करते हैं, और बेटी की विदाई भी गाजे बाजे के साथ करेंगे। ऐसा नहीं है कि बेटियों को जो है भाई सब कुछ देता है, दिया है हमने, बहनों को बहुत कुछ दिया है, तो बहनों को छोड़ना चाहिए भाइयों के लिए। विदाई चुनावों में ही करेंगे, ये चुनावों की विदाई, ये तो नियम है, विदाई क्या है कि अपने काम में लगे, भाइयों के नंबर आने। तो कौन सी बहन से मुकाबला मान रहे हैं? सारी बहन हैं, जितनी बहन हैं सभी हैं, बहन ही है मेरे आसपास, 3 बहन लड़ रही हैं, 3 भाई लड़ रहे हैं, बहुत हैं भाई बहन, सबकी विदाई कर सब नहीं, विदाई भाई तो चलो कोई बात नहीं, अपना काम में लग जाएंगे, बहनों का जरूर करना है। कितनी मजबूत जीत मान के चल रहे हैं, कितनी वोटों से जीत? मैं जीत नहीं मान रहा, मैं कह रहा हूँ लोगों का भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक रुझान है, जीत हार तो बल्लड़ के लोग बताएंगे, अगर मुझे पता होती जीत रहे हैं तो फिर मैं वोट क्यों मांगता? लोग तय करेंगे, तो 8 को पता लगेगा या 5 को शाम तक पता लगेगा क्या रुझान है? अभी तो लोगों में सब लोग लगे हुए हैं, अपनी अपनी बात कह रहे हैं, हमने 10 साल का हिसाब दिया है, वो 10 साल का हिसाब दे दें अपना, वो 10 साल का काम बताएं, क्या किया क्या नहीं किया। हमने 10 साल का कोविड के भी 2 साल जोड़े, हमने पूरा हिसाब करके बना के दिया है। कोविड में 10 साल आम व्यक्ति जब रो रहा था, आम व्यक्ति जब दवाई की पुकार कर रहा था, वैक्सीन की मांग कर रहा था, जब लोग कहाँ थे,
जब गरीब आदमी राशन मांग, कहाँ थे लोग? कहीं थे पटल पे, कहीं भी नहीं थे। हमने जब बसों को 400-400 किलोमीटर दूर बसों में हरियाणा रोडवेज ने जब दूसरे स्टेट पर पहुँचाने का काम, कहीं लोग थे? हमने प्राइवेट बसों को बुला बुला के तब भी भेजा, कहीं नहीं थे। ये तो चुनाव के समय निकलते हैं, फोटो कराते हैं, फिर बना के देते हैं और फिर टिकट मांगते हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। मूलचंद शर्मा बीजेपी के प्रत्याशी, उनका कहना ये है कि जनता इस बार फिर कमल खिलाएगी, तीसरी बार फिर वो जीतेंगे। कैमरामैन दीपक के साथ सुंदर सोलंकी, फरीदाबाद।